Hi friends, how are you all? I hope all of you will be good. This is Jagriti. So friends, today we are discuss about the large intestine and small intestine. Friends, in the last video we had a study about the esophagus and the stomach in the digestion of system. But in this video we will get to know about the large intestine and small intestine. So let's start. फ्रेंड्स हम लोग आज देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ लॉन्गेस्ट पार्ट. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एंड ये कोएल स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर? कोएल स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 7.5 मीटर्स लेंथ में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर लेंथ में होती है. इट इज़ अ वेरी नैरो. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ही नैरो यानी कि बहुत ही पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन. और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा साइट है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जहाँ पे मतलब जो फूड है फूड का कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है. मीन्स जो भी हम फूड लेते हैं टैग करते हैं तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है कम्प्लीटली. इट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस. फ्रेंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इंटेस्टाइनल जूसेस यानी कि इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स होते हैं उनको सीक्रेट करती है. इट रिसीव्स द बाइल जूस. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बाइल जूस यानी कि जो लीवर है हमारा जो बाइल जूस सिक्रेट करता है तो बाइल जूस को ये रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लीवर से जो कि सिक्रेट होता है. एंड पेनक्रियाटिक जूसेस. और जो पेनक्रियास जो है पेनक्रियास जो भी जूसेस को सिक्रेट करता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूोडेनम, सेकेंड इज जेजुलम एंड थर्ड इज इलियम. फ्रेंड्स देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स उनके बारे में. द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूोडेनम. द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड ड्यूडेनम. जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे कहते हैं ड्यूडेनम. इट इज़ अ ड्यूडेनम. सो फ्रेंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम. कनेक्ट टू द स्टमक. और ये ड्यूडेनम जो होता है वो स्टमक से कनेक्ट रहता है. ड्यूडेनम स्टमक से कनेक्ट रहता है. इस वेयर प्रिपरेशन फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू स्मॉल फिंगर लाइक प्रोस्ट्रेशन कॉल्ड बिली पिकेंस. यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ड्यूडेनम में जो भी फूड है उसका एब्जॉर्प्शन जो बिली होती है उनके द्वारा स्टार्ट हो जाता है. बिल्ली ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बिल्ली के द्वारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन यानी कि जो डाइजेस्ट फूड है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम में. सो सेकेंड इज जेजुलम. फ्रेंड्स जेजुलम जो होती है वो मिडिल पार्ट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है जेजुलम. इट इज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ड्यूडेनम. फ्रेंड्स ये जो होती है जेजुलम ये ड्यूडेनम का कंटिन्यूएशन है. ड्यूडेनम का कंटिन्यूएशन होती है जेजुलम. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेजुलम इज टू एब्जॉर्ब शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड. जो जेजुलम है इसका जो प्राइमरी यानी कि जो मेन फंक्शन है वो ये है जो भी शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं एंड जो भी फैटी एसिड्स होते हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है. जेजुलम जो होता है वो शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. थर्ड इज इलियम. एलियन द थर्ड पार्ट कॉल्ड द इलियम. जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम इलियम बोलते हैं. जो थर्ड पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, इट इज थर्ड पार्ट, अटैच टू द कॉलम, ये कॉलम से अटैच होता है, इट फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ इलियम इज टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट। इलियम जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना एंड बाइल एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। फ्रेंड्स, जो हमारा ड्यूट्रियम है इसका मेन जो वर्क है वो यानी कि जो फूड है हमारा बिली लाइक स्ट्रक्चर से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। एंड सेकेंड इज जेजुनम, इसका जो मेन फंक्शन है शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करना। एंड थर्ड इज इलियम, इलियम का मेन फंक्शन है विटामिन B12 एंड बाइल एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। So friends, function of the small intestine. Small intestine is the part of the intestine where 90% of digestion and absorption of food occurs, and another 10% taking place. फ्रेंड्स, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है 90% जो डाइजेस्ट फूड होता है, डाइजेस्ट फूड 90% स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। बट जो रिमेनिंग 10% होता है, जो रिमेनिंग 10% होता है इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्टमक में एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, सच एज मिनरल्स, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इज हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्टार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द इलियम टू रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन फ्रेंड जो होती है वो रेक्टम तक एक्सटेंड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम तक एक्सटेंड होती है। वर्मी और इन लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, सच एज वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड सिग्मॉइड कॉलम। फ्रेंड्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मॉइड कॉलम, ये सब जो है ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। द अपेंडिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सम 4 कोड्स। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ये 4 कोड्स मिलकर के बनी होती है। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये 4 कोड्स से मिलकर के बनी हुई होती है। But the सब म्यूकोस्कोट कंटेन लिम्फॉइड टिश्यूज, बट जो सब म्यूकोस्कोट होती है वो लिम्फॉइड टिश्यू को कंटेन करती है। सेकेंड इज सीकम। सेकेंड इज सीकम के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। सो it is proximal end of the large intestine and its cecum is 6 cm in length। ये proximal end होता है large intestine का and 6 cm की length होती है cecum की। Next is ascending column। friends, ascending column के बारे में देखते हैं। So ascending column जो होती है वो 5 cm long होती है and hepatic तक extend रहती है, which is related to inferior surface of the right lobe of the lips। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसवर्स कॉलम। सो ट्रांसवर्स कॉलम फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स कॉलम इट इज़ 45 cm। फ्रेंड्स, जो ट्रांसवर्स कॉलम होता है वो 45 cm लॉन्ग होती है। 45 cm ट्रांसवर्स कॉलम लॉन्ग होती है। फ्रेंड्स, लास्ट इज डिसेंडिंग कॉलम। सो डिसेंडिंग कॉलम इट इज़ 25 cm लॉन्ग। डिसेंडिंग कॉलम जो होती है वो 25 cm लॉन्ग होती है। फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने देखा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स व्हाट डज द लार्ज इंटेस्टाइन डू। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। So the four major functions of the large intestine, जो large intestine होती है उसके four main functions होते हैं. वो क्या है हम लोग देख लेते हैं. reabsorption क्या है? reabsorption. जो large intestine होता है वो reabsorption करती है, because जो हमारी small intestine है वो absorption करती है. So large intestine में जो digest food होता है उसका reabsorption होता है. इसमें किस चीज़ का, जैसे वाटर, मिनरल्स, आयंस, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सच एज सोडियम एंड क्लोराइड. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकस. लार्ज इंटेस्टाइन में टेम्परेरी क्या होता है? फीकस यानी कि स्टूल जो होता है वो स्टोर रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फूड. सो जो हमारा स्टूल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर रहता है. नेक्स्ट इज गैनेटिंग आर रेसिडेंट पॉपुलेशन ऑफ ओवर 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल का फ्रेगमेंटेशन भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. By the time partially digested food stuff reaches the end of the small intestine, 80% of water content has been absorbed. फ्रेंड्स जो 80% जो वाटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, बट जो रिमेनिंग वाटर होता है वो मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर, जो भी रिमेनिंग वाटर है फूड में, वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है. सो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने देखा फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो फ्रेंड्स, so please like and subscribe my channel. Thank you so much my friends.